गुवाहाटी में नकली सोना बेचने वाले 6 व्यापारियों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से नकली सोने के 3 नाव और लाखों रुपयों के नकली नोट मिले हैं। लालमाटी में अभियान चलाकर पुलिस ने इन सभी तस्करों को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार लोगों के नाम पश्चिम बंगाल के देवदास हलदर, संतोष मंडल, नित्य हलदर, उत्तर प्रदेश के शिवम कुमार, उत्तराखंड के मनोज कुमार और लखीमपुर के सद्दाम हुसैन बताए गए हैं। ये लोग नाववेशा से बाहरी राज्यों में सोने की तस्करी करने की फिराक में थे और उसी दौरान यह गिरफ्तारी हुई है। तो 6 तस्करों को गिरफ्तार किया गया है। नकली सोना बेचने का इन पर आरोप है और पुलिस ने धर दबोचा है इन 6 व्यापारियों को। আজি আমার মানে এসটিএম পর একটা সিক্রেট ইনফরমেশন আছিল যে লালমাটি এরিয়াত একটা ডিলিং হবো ফেক কারেন্সি আর ফেক গোল্ড। তো একর্ডিংলি আমি এই রেডটো কন্ডাক্ট করলো আর আমি 6 জন মানুষ হতি বহু সামগ্রী পালো, 3খন নাও পাইছো ফেক গোল্ড আর ফেক কারেন্সি পাইছো 1,04,700, মোবাইল পাইছো 5টা আর কেস রুপিস পাইছো 1,08,490। এজন লক্ষিমপুর বিপুরিয়ার আছে, বাকি নাওবসির আছে এজন আর বাকি বাকি কেজন বাহির আছে আউট অফ স্টেট।